गाइस, वेलकम बैक टू चैनल विनीता वर्मा ब्लॉग। और गाइस, आप तो कैसे हो? आई होप तो अच्छे स्वस्थ। और गाइस, सबसे पहले आप सबको हो अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हर्षी चला गया है स्कूल, और भाई छुट्टी तो होती नहीं हुई अष्टमी की, तो इसलिए ये है कि जहाँ गर्ल्स स्कूल होते हैं शायद उनकी कर देते हैं छुट्टी, लेकिन कोएड स्कूल में तो नहीं होती छुट्टी। और भाई बस पूजा वूजा करती हूँ मैं, और आज फिर दिन में कथा वगैरह करेंगे, मिल जाएंगे सारे जने, मिल के ही कथा करते हैं। और जल्दी जल्दी पहले करती हूँ अपने घर की पूजा, फिर बाकी काम भरूँगी सारे। तो भाई मैंने कर ली सारी तैयारी, यहाँ पर दिखाती हूँ कि हमारे भोली माता की कैसे करते हैं पूजा। पूजा तो नहीं कर रही अभी, हाँ ये कि माता रानी रखते हैं कैसे। यहाँ हमने माता रानी की, भोली माता की लगा लिया फ़ोटो, और ये वाली फ़ोटो हमारे यहाँ मंदिर में रखी रहती है यहाँ पर। और बस यही हम हर साल चेंज नहीं करते। और यहाँ रख लिए हमने दो लोटे, मैं ना वो मिट्टी के नहीं रखती, क्योंकि मिट्टी के फिर छत पे रख दो फूट जाते हैं, तो मैं दो स्टील के रखती हूँ लोटे। ठीक है, इसमें पानी है, और इसमें सिक्का डाल दो, सिंगाड़ा पूड़ा जो भी है वो डाल दो। गाइस, मिट्टी का स्कैन रखती है कि देखो मिट्टी का हम अपने शुभ का रखते हैं, फिर छत पे रख दो कूड़े में जाए, इधर जाए उधर जाए। हमारी सासू माँ थी तो उन्होंने ना शुरू से ही स्टील के लगवा दिए। ये सूचियाँ सिर्फ मैं होई पूजने के लिए ही निकालती हूँ, बाकी मैं अंदर बेड में डाल देती हूँ। सिर्फ होई पूजने के लिए निकलते हैं दोनों लोटे, और फिर दोनों लोटे मैं अंदर रख दूँगी। तो ये कोई घर में यूज़ नहीं होता, अपने पर्सनल यूज़ नहीं होता, तो इसलिए तो क्योंकि ये कोरिया मांझ के अपने फिर कला वलावा बदल दो, और ये होता है। ये है होई माता। हर्षित आ गया है और माता टेक रहा है होई माता में। मेरे बच्चे सदा खुश रहे, तो फले फूले खूब, है ना। हैप्पी होई अष्टमी, हमेशा हम दोनों के साथ रहे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। देखो पले बड़े तो हो जाएंगे, तीन बनने वाले हैं, मैं वहां पल जाऊंगा। वरना कहाँ पे? ट्यूशन में लेट गया था, वहीं पल जाऊंगा पूरे टाइम। भाई तू जल्दी खा ले, फिर खाना जा। मैंने बना दिए दाल चावल, और शाम को क्या बनेगा? छोले भटूरे, हर्षित के फेवरेट है। हमारी हर होई अष्टमी पे छोले भटूरे बनते, क्योंकि उसके फेवरेट है। तो मैं पूछूंगी हर्षित आज तेरे लिए व्रत रखा है, मैं क्या बनाऊँ? कहेगा मम्मी छोले भटूरे। मैं चल छोले भटूरे बना दूँगी। आज बच्चों का व्रत है, जो बच्चों को पसंद है भाई भाई बना दो तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ भाई, तो गाइस दीदी आ गई हैं, और अब करेंगे कथा हम होली अष्टमी की, माता रानी की। और मैंने चेंज कर लिया सूट, तो चलते हैं। तो गाइस सबने ओढ़ लिया, अपना अपना पी लिया। होली अष्टमी ओढ़ते हैं अपना पी लिया, और करवा चौथ पे ओढ़ते हैं शादी वाली चुन्नी, है ना। तो गाइस हमने कथा कर लिया, और अब पियेंगे हम चाय। भाई चाय ले आए, बल्कि बना के भर भर गिलास। पानी की प्यास तो लेकिन चाय से नहीं मिटती, लेकिन बस ये है, तसल्ली दे देते हैं ना थोड़ी सी सही को। भाई प्यास करती हूँ बहुत तेज वाली, और दीदी को प्यास लग रही है बहुत तेज से। और दीदी ने नहीं चाय खोल कर ली, दीदी ने ना चाय भी पी लिया और पानी भी पी लिया। और जैसे कोई भाई तबीयत ठीक नहीं है तो हम भी पी सकते हैं ना, जब बड़े खोल कर लेंगे तो हम भी पी सकते हैं। और दीदी की बात सही है कि भाई आगे आगे वही है चीजें, 10 चीजें होती हैं अपने साथ सेहत के साथ, है ना। नहीं सही है तो खा लो, अब हम पे नहीं रहेगा बर्डन। क्या कह रही जी? सही है ना। तो गाइस कथा कर ली हमने, और चाय भी पी लिया, और अब लगेंगे खाना बनाने में। भाई खाने में बनाने हैं छोले भटूरे, और मीठे पूड़े बनते हैं हमारे, और पूजा होती है बाकायदा लक्ष्मी माता की, होई माता की। और आज से फिर हमारे दिवाली तक रोज़ लक्ष्मी माता की, मतलब शाम को आरती करनी करनी है, जहाँ पे हमने होई माता है विराजमान करी है ना, वहाँ पे रोज़ मंदिर में अलग होगी, और बाहर अलग लक्ष्मी माता की रोज़ पूजा होगी। लक्ष्मी माता को आह्वान किया जाए कि आओ लक्ष्मी माता हमारे घर भी आओ। तो भैया यार मतलब बहुत अच्छा लगता है यार, अच्छा अच्छा फील होता है। तो गाय जब चलते हैं किचन में, और भाई खाना बनाते हैं हम। इसमें कि छोले मैंने उबाल के रखे हुए हैं, और उबाल के क्या उबाल लेते हैं, और पूड़ों का भी गुड़ भी हो रखा है, और मैदा गूंद रखी है। पहले तो किचन समेटती हूँ सारी, और मैंने पता है क्या टमाटर भी पीस रखे हैं ये रे। मैं बस करने वाली थी, मतलब छोले छोंकने वाली थी, ये देखो इसमें
ऑयल। छोले छौंकी रही थी, इतनी दीदी आ गई कथा करने के लिए। मैं सोचा दीदी नहीं आती तो छोले छौंकी देती हूँ, लेकिन चलो कोई नहीं। अब पहले मैं किचन साफ करूंगी, फिर बनाऊंगी सब्जी और पूड़े। तो भटूरे तो तभी बनाऊंगी ना, अभी जब भाई है कि टाइम से बना के रख दूंगी। और मैंने बहुत तेज वाली प्यास लग रही यार, बहुत तेज वाली प्यास लग रही, क्या करूँ यार, बर्दाश्त नहीं हो रही भाई मुझसे तो प्यास, जो भी है। तो गाइज अभी कसम ये है कि अब मैं बना रही हूँ पूड़े, लेकिन हर्षी जा रहा ट्यूशन, क्यों नहीं ये ऐसे करती हूँ कि पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, ठीक है, बहना वहना तैयार कर लेती हूँ, और अर्षित आएगा तो पूजा कर लूँगी, जाओ बेटा। और मैं बना रही हूँ अभी पूड़े, और मैंने कर लिए कपड़े चेंज, क्योंकि गाइस जो सिल्क का सूट है तो ना कितना ही अप्रैल वगैरह पहन लो तो, लेकिन ऑयल के निशान लग ही जाते हैं हाथ वाथ, फिर माइंड नहीं हुआ नहीं काम होता। तो बना रही हूँ फिलहाल पूड़े, फिर करेंगे पूजा की तैयारी। और ये बन रहे मेरे गुलगुले सिम आँच पे, और छोले बन चुके हैं, हमारी हो गई पूजा की तैयारी। और ये रखते हैं हमारे यहाँ पे पूड़े सात जगह पांच पांच, और ये हमारे खाने का बायना भी निकलता है, और सिंगाड़े मूली जो मर्जी रख सकते हैं। नील दीदी भी आ गई हैं अपना बायना लेने खुद आप देने आई हो, झूठ मत बोलो, लेकिन जा रही हूँ मैं, जा रही हूँ अपने आप आई हो तो पूजा भी कर लिया और बहना भी निकाल दिया है। और हर्षित आ गया, हर्षित कह रहा है मेरे बिना कर ली पूजा, मैंने कहा भाई लेट हो रहा था ताई जी को भी, तो भाई पूजा कर ली मैंने, और चल ऊपर आ रख दिया है तारों को, मेरी आन बान शान जान, मेरे घर का राजकुमार। yes. और कुछ हाँ. और क्या कहता तू बस बस बाकी सब बता नहीं सकता, आन शान तो तू ही करता रहता है, मैं थोड़ा बोलती तुझे। और गाइस ऊपर आ गए हम रख देने, और हमारे चांद को नहीं तारों को देते हैं रख, तो भाई वो ही देंगे, और तारे तो निकल ही आएंगे ऑब्वियसली, 9:30 बजने दिख गए तारे भी।